हेलो दगड़ियों, कसो रिचा। मैं ले ठीक छूँ और मेरी मानू ले ठीक छी और मम्मी ले ठीक छन। और आज मम्मी यहाँ तैयार हो रहे किले की आज है बिरुड़ पंचमी और बिरुड़ पंचमी की सब बहने बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि अल्ले हम बिरुड़ भिजून वाल छन तो मैं तुम्हें दिखूँ लो कि कैस हम भिगूनान और किसे हम बिरुड़ बोलनान। तो मम्मी अल्ले भिगून मरन बिरुड़, तो मम्मी बताला कि मतलब बिरुड़ की हूँ छ और बिरुड़ पंचमी किसे कूनान। बिरुड़ पंचम हमारी संस्कृति साल भरे का मैं ऊँचियो आठों सातों व्रत हो ना, ये में ना पाँच अनाज छन, ये में पाँच अनाज, ये एक चना छन, एक गोत छ मास छ और गेहूँ छ, एक ये गुरुस पाँच अनाज। अच्छा। ये तभी पंचमी पाँच अनाज भिगा के तो ये पहला दिन ये बिरुड़ भिजोना, आज बिरुड़ भिजाए फिर भोलखिन ये बिरुड़न इसी के धोला फिर पाँच चीजों उनको वो बना गमरा माता बनो लो फिर उल्लाखिन धोला। अच्छा फिर अच्छा। दूसरा दिन फिर महेश्वर इन्हन शिव पार्वती ये गौरा महेश्वर ब्या शिव जी और पार्वती को अब मैं बतूँस नी की क्या मैं समझ गई हूँ मम्मी ने मैं समझा दिए। अब मैं बतूँस तुम्हें समझ ये बिरुड़ पंचमी की होंच। तो बिरुड़ पंचमी सबसे पहली ये हुनन पांच अनाज। आज बिरुड़ पंचमी के दिन हम बिरुड़ भिगुनान इन इसी ये पांच अनाज से हम बिरुड़ कुनान और बिरुड़ भिगुन खिन हमन यो तौला चाहे ई में हम शुद्धि करनो। जैसे कि गाय गोबर बहुत पवित्र मानन तो उमें गाय गोबर लगूनो और टिक्को लगूनो इस दूबा लगा बिर हम इस भिगा देनो और इस भोल धूला ना मम्मी। हाँ उन दिन बाद सब अपन सब बची रवन सपन का तो घर दिया भगवान हे कमा देवी माता सब भिजोना रवन हर साल आते रहो सपन सुनिए प्यार जय बोलो मानू जय जय गमरा मैया है ना। इसको हम प्रसाद बोलते हैं बिरुड़ी को। हम इसको गमरा माता को चढ़ाएंगे और गमरा माता क्या होती है वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी जिनको नहीं पता है। वैसे हम पहाड़ियों को तो सबको पता होता है। हाँ सबको पता होता है लेकिन बाहर से जो देखते हैं उन लोगों को नहीं पता। तो उन लोगों को भी हम अपनी संस्कृति दिखाना चाहते हैं तो हम ऐसे पूजा करते हैं। मतलब ये मतलब गौरा महेश्वर का मतलब गौरा महेश्वर मतलब शिव और पार्वती। हाँ शिव और पार्वती मैया होता है हमारे यहाँ दो दिन का। हाँ अभी मम्मी का व्रत भी होगा दो दिन के लिए संडे और मंडे और मंडे को जन्माष्टमी भी है। आज ये अब इसको हम मंदिर में रखेंगे। अभी से इसको खाना खाने के बाद कोई नहीं छूता है ये प्रसाद वाला। तो आज है नेक्स्ट डे और आज अभी हम कल हमने बिरुड़े भिगाए थे आज उनको धोना है तो आज हम जा रहे हैं। चलो आप भी देखो हमारे वहाँ की संस्कृति कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो चलो वीडियो पर बने अभी हम जा रहे हैं बिरुड़े धोने के लिए। कितने धीरे धीरे आ रहे हैं मम्मी क्योंकि उसमें ना पूरा ऊपर तक पानी है पानी गिर जा रहा है ना इसलिए धीरे धीरे आ रहे हैं मम्मी। चल क्या करूँ बोलिए मम्मी। रास्ते में मिल गए हमारे डॉन भूपा जी। जी को प्रणाम। आमा प्रणाम ठीक हो आज अपने समदेवड़ आए हो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आए। देखो स्टाइल देखा कहाँ से गिरा पता नहीं गिरा कहाँ से। आप भूपा जी बोल नहीं रहे अच्छा कम बोलता हूँ। इनके वहाँ पे जा रहे हैं बिरुड़े धोने। आपको भी सबको बधाई सभी को बधाई। ये मेरे नानी जी को भी ले ले ठीक हो। हेलो बाबू ओए जय कर दे हेलो जय कर दे जीतते रहना गॉड ब्लेस यू।
यहाँ पर मम्मी अब गमरा मैया की पूजा कर रही हैं। तो ये गमरा मैया हम पांच अनाज के पत्तों से बनाते हैं, मींस पांच अनाज के जो पेड़ होते हैं, पौधे बोल सकते हैं, उनसे हम बनाते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं। गमरा मैया को ही गौरा माँ बोलते हैं और इनको हम विरुड़े यानी कि प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको टीका लगाते हैं। जैसे कि आज के दिन हम गौरा मैया अपने घर पर होती हैं तो उनको कन्या के रूप में होती हैं और कल शिव भगवान आएंगे और फिर उनसे शादी करके वो चले जाएंगी अपने ससुराल। तो ऐसे ही हम ये सातों आठों का पर्व मनाते हैं। अब मम्मी यहाँ पे धो रही हैं ये बिरुड़ों को अच्छे से, बाकी सबने तो धो दिए थे, मम्मी ही रह गई। धो रही हैं बिरुड़े और सबने धो दिए। हाँ सबने धो दिए, अभी सबकी फोटो खींचना साथ में। हाँ ठीक छे। दीदी प्रणाम। हेलो हेलो, कैसे हो? लेट आए आप। हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी दीदी। ताई जी से पूछती हूँ, दोनों ताई बैठे हैं यहाँ पे, दोनों बताएंगे गौरा माँ की बारे में कि हम सातों आठों पर्व क्यों बनाते हैं। तो इसलिए मनाया जाता है, कहावत है, पुरानी कहावत ये कही जाती है कि एक दिन हिमालय की पुत्री गौरा गंगा स्नान कर रही थी तो उनके जो अपने केश थे वो केश इतने फैले हुए थे कि वो गंगा में बह रहे थे। तो शिव जी जो हैं वो घूमते घूमते कहीं भ्रमण करते हुए पहुँचे वहाँ। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा ये रोएँ कितने अच्छे सुंदर हैं और किसके होंगे ये केश, जो इतने सुंदर इसके केश हैं तो ये कन्या भी कितनी सुंदर होगी। तो उसको ढूंढते 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 वो फिर गए तो उन्होंने वहाँ जा कर के गौरा को प्राप्त किया और फिर उसके बाद वो मायके चली, मायके ही हुई तो दूसरे दिन जा कर के उनके साथ उन्होंने विवाह की बात अपने घर ले आई। अच्छा, कन्या को अपने घर से विदा किया जाता है, वैसे ही लड़की को जैसे खिला पिला करके माँ बाप अपने अच्छी तरह से लड़की को खुश होकर के अपने मायके से भेजते हैं। तो वैसे ही आज हमारे मायके में गौरा आ रही है, कल मनमहेश्वर दामाद आएंगे। हाँ। कल वो दामाद जो है उनकी भी आदर खातिर पूरा किया जाएगा, उसके बाद वो विदा हो जाए, विदाई करके अपने साथ लेके चलेंगे। हाँ धन्यवाद ताई जी, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने दी। को लेने वो जाते हैं उसके मायके में तो वो जोगी का रूप धारण करके जाते हैं, शिव भगवान जोगी का रूप धारण करके जाते हैं। तो गौरा मैया के गौरा की मम्मी बोलती हैं हम इस जोगी को अपनी पुत्री को नहीं देंगे। हाँ। तो उसके बाद फिर वो अपना असली रूप दिखाते हैं शिव शंकर का, तब वो फिर उनके साथ विवाह करते हैं। इतना मुझे भी याद है। और पीछे वाले दोनों को कुछ याद है? कुछ नहीं आता, हम अभी सीख रहे हैं। हाँ सही है, मैं भी सीख ही रही हूँ अभी ताई से, मम्मी लोगों से, तभी मैंने ताई जी लोगों से, बड़े बुजुर्ग हुए हमसे ज्यादा जानते हैं इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा। साधु देसी से जाने वाले हुए हो। हाँ। अपना विराट शादी कैसे करेंगे, जब आए तो उन्होंने तांडव किया। हाँ। तांडव इसलिए किया कि दुनिया को दिखाने के लिए भाई इतनी सुंदरी लड़की को ये बाबा को दे रहे हैं। हाँ। जोगी को दे रहे हैं, लेकिन वो जो भोलेनाथ है। हाँ। रचयिता है, पूरे संसार को रचने वाले हैं, तो उनके साथ उनका पूरा अपना तांडव मनाते हैं। और ताई से भी पूछते, ताई आपको भी पता है कुछ? मैं भी सीख ही रही हूँ बोलो।
मैं भी सीख रही हूँ बोलो। मैं तो कहाँ सीखती भी कहाँ हूँ। आपको बताया था कुछ? हम दो दिन का व्रत रखते हैं और तीसरे दिन गौरा मैया भिगाए जाते हैं, पंच अनाज भिगाया जाता है तीन दिन पहले। इस बार तो दूसरे दिन ही भूल जा रहे हैं। खातिर आदिर खातिर में पंच गिरुड़े बनाए जाते हैं। दामाद और बेटी को कितने प्यार से विदा किया जाता है अपने घर से, वो उनकी विदाई होती है। अच्छा, उन्हीं को वो प्रसाद चढ़ा के विदाई करते हैं। प्रसाद चढ़ाते हैं, ब्राह्मण आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर उसके बाद दूध धागा और टोल बनाए जाते हैं, सुहागिन आते हैं, कोई भी है जैसे सुहागिन है। व्रत उपास दिए जैसे बेटी के लिए शादी के लिए दो दिन का उपवास रखा जाता है, वैसे ही इस व्रत के लिए भी दो दिन का उपवास रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी, बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। वीडियो तो यहाँ पे दीदी लोग सब आए हैं, बैठे हैं और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से कहानी सुनी ना ताई की। हाँ, बस हम लोगों को अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए ना, तभी आगे को हम ही लोग होंगे, ऐसे बड़े बुजुर्ग बनेंगे और हम भी अपने बच्चों को सिखाएंगे, है ना। चलो फिर चलते हैं, बाय। मैं जा रही हूँ, मम्मी आप रहना, मैं खाना बनाती हूँ, बाय बाय। चाय पीना आप लोग, सभी को प्रणाम, बाय। हाँ मैं जा रही हूँ, मैंने खा लिया प्रसाद। चाय नहीं, आप मम्मी को पिलाओ, मेरा व्रत नहीं है, मम्मी को पिलाओ आप। नहीं नहीं मैं खाना बना रही हूँ ना घर पे।